चुनावी सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े बड़े दावों और वादों के साथ जनता के बीच संघर्ष कर रही हैं। वहीं इस बीच गौतम बुद्ध नगर जिले के नूरपुर में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का पदाधिकारी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के उच्च अधिकारियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सम्मेलन के बाद महारैली का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने कहा कि सभी पार्टियों ने देश को लूटने का काम किया है, लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी देश के अच्छे भविष्य पर काम करेगी। वहीं देश में जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, इस पर भी काम किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षत्रिय समाज की स्थिति पर अफसोस जताते हुए कहा कि बीजेपी राजपूत समाज को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने दावा किया है कि हमारी पार्टी देश हित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता काफी समझदार है, जनता समझ रही है कि किसको वोट करना है और किसको नहीं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश विदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।